हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू ड्राइव BMW 7 सीरीज। जैसे कि आप मेरे पास की देख सकते हो, आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल है। अगर आप वीडियो देखोगे तब ये BMW 7 सीरीज ऑटोमेटिक कर कौन सा भी ऑल ऑटोमेटिक कार्स आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैनुअल कार और BMW ऑटोमेटिक जो कार होती है बहुत द सेम, पर दोनों भी सेम नहीं है। उसका अलग प्रोसेस है और इसकी अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें तो मैनुअल में तो क्या है, उतना क्लास दबाना और गियर मार देना और चलते फिरना, ऐसा नहीं है। BMW में जो है जो ऑटोमेटिक कार होता है उसकी अलग ही प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, तो BMW कैसे यूज करना, कैसे चलाना, कैसे ड्राइव करना है, तो आपको मैं ये दिखाऊंगा, हर एक प्रोसेस बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो देख आ गए। अभी कार में अंदर हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको बताएंगे कार कैसे चलाना है, कैसे ड्राइव करना है, कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम अभी कार ओपन करेंगे, जिससे कि की हमारे पास ही है। हम अभी कार ओपन कर लेंगे, कार ओपन हमने कर लिया। ओपन करने के बाद अब कार में हम जाएंगे, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। अभी हम कैसे घर चलाते हैं, कैसे प्रोसेस है, कौन सी स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करने के बाद क्या करना होता है, इसमें जो अलग अलग चीज़ें रहती है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ें फॉलो करोगे तो BMW, जिसको ड्राइविंग आता भी नहीं है, अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कैसे ड्राइव करना है, इजिली कैसे ड्राइव करना है। बिलीव करो, मुझे कोई ड्राइविंग नहीं सिखाया, मैंने ऑन सिखाया। ना किसी दोस्त के सहारा लिया, ना किसी का सहारा लिया, मैंने ऑन सीखा, मैंने खुद सीखा। कैसे सीखा मुझे कुछ चीज़ें पता है, बिकॉज मैंने फोकस किया और मुझे फॉलो किया। मैंने ये स्टेप बाय करना मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, यूट्यूब में वीडियो देख के मैंने स्कूल के प्रिंसिपल की कार से मैंने ड्राइविंग सीखा। तो आपको बताऊंगा, पहले मुझे मैनुअली आता था, वो भी पक्का नहीं आता था। आज मुझे एनी कार, कौन सा भी कार दे दो आप, मुझे ड्राइव कर सकता हूँ मैं, एंड बहुत अच्छा ड्राइव क्वालिटी की ड्राइव करता हूँ। तो आपको ये बताऊंगा स्टार्ट करना। चलो अभी हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक दो मिनट से स्टार्ट में ही रखना, आप गाड़ी मूव नहीं करना, क्योंकि BMW 7 सीरीज जो होता है ना, स्टार्ट होने के बाद इंजन पूरा हॉट होना, गर्म होना। हॉट होने के बाद एक दो मिनट, एक मिनट, एक 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड टू 20 सेकंड आपको वेट करना है। तो हम जैसे कि स्टार्ट कर लिए कार, स्टार्ट करने के बाद ओके, अब ये होता है गियर, ये होता है ऑटोमेटिक कार की गियर, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अगर हमको बैक जाना है तो हमको फ्रंट में लेना है। आर मतलब बैक गियर और एन मतलब न्यूट्रल में है कार, अभी न्यूट्रल में है, और डी मतलब फ्रंट में जाएगा, गाड़ी मूव होगा, ठीक है। अगर आप डी के पास एस होता है, एमएस मतलब कहीं डाउन में कहीं भी आपको चलाना है गाड़ी, तो आपको क्या करना है, एस में ऐसे लेके चले जाना। तो एस में क्या, कोई डाउन है, गाड़ी उठ नहीं पा रहा है, गाड़ी मूव नहीं हो रहा है, तो आप एस में डाल के गाड़ी लेके जाओगे, ठीक है। और क्या करना, अभी जैसे कि हम न्यूट्रल में डाल दिए, न्यूट्रल नहीं, डी में डाल दिए, गाड़ी मूव करने वाले हम अभी। और पी बोले तो पार्किंग, जैसे कि हम पी में दबाए पार्किंग, अगर हम कहीं भी एग्जाम्पल, हम अभी ट्रैफिक सिग्नल है, इधर सामने ट्रैफिक है बहुत सारे, सिग्नल लग गया, रेड हो गया, तो आपको क्या करना है, BMW जो होता है वो गाड़ी स्टार्ट हम क्या करते हैं, डी में रखते हैं, मतलब डी में रख के, मूविंग में रख के हम तुम्हारा ब्रेक पकड़ के रख देते हैं। हमको ऐसा नहीं रखना, बिकॉज अगर हम ऐसे रखेंगे इंजन में प्रेशर आएगा, इंजन प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी ट्रैफिक आया, कुछ भी आया, पी में डाल देना, ये जो पी है, पी में डाल के गाड़ी ऐसे छोड़ के भी बैठ जाओ आप, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी जैसे कि हम गाड़ी मूव करने वाले हैं अभी, और ये जो होता है, ये जो चीज होता है, ये होता है पार्किंग। अब जब पार्किंग कर लोगे, पार्किंग करने के बाद ये ऊपर प्रेस करना, पार्किंग में हो जाएगा। अगर नीचे प्रेस करोगे, पार्किंग ओपन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, अब गाड़ी मूव कर सकते हो। अभी क्या करना है आपको, कि मैनुअल में जैसे क्लच होता है, एक ब्रेक होता है, एक स्क्रेडर होता है, BMW में होता कि नहीं होता। BMW में क्या होता है, एक ही क्लच होता है, क्लच ब्रेक जो है एक में रहता है, मतलब क्लच ब्रेक ही बोल सकते हो, क्लच नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, बोलोगे तो भी चलेगा, और स्क्रेडर रहता है, दो रहता है, ऐसा नहीं। मैनुअल जिनमें जैसे ब्रेक एक, क्लच एक, स्क्रेडर एक रहता है, इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें दो ही रहता है, एक स्क्रेडर एंड एक तुम्हारा ब्रेक। फ्लैश ऑन कर लेता हूं, ये है स्क्रेडर, ये जो है, ये है स्केलेडर और ये है क्लच ब्रेक, दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर गाड़ी जब मूव करते हो, आप इसमें पैर रखना है, अपनी लेग जो है इसमें रखना है,
स्टार्ट करने के बाद जब अब ये इससे मूव करेगा, अपना जो लेग है, आपका जो पैर है, अब जब हटाओगे तब गाड़ी ऑटोमेटिकली मूविंग ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, एक 10 में स्पीड या 5 में स्पीड में चले जाएगा स्टार्टिंग। और उसके बाद आपको स्केलेटर जितना भी दबाना है दबा के जाना, 60 के ऊपर मत चला, 60 मिनिमम उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो, बड़ी बात नहीं, पूरा फुल ये कर भी यूज कर सकते हो, पर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लच और सॉरी ब्रेक एंड स्केलेटर आपको समझ में आ गया कैसे है? ये जो होता है जैसे कि ये अगर आप जीरो में रखते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये, लाइक नाइट आएगा तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन होगा, ऑफ होगा। आप इसमें लाइट का जो ये है पावर है, ब्राइटनेस है, कम ऊपर डाउन अप डाउन भी कर सकते हो इसमें आप। और इसमें माइलेज है, जैसे कि आप इसमें फ्यूल देख सकते हो, अभी गाड़ी ऑन नहीं किया मैंने, इसमें फ्यूल आएगा आपको, ये कितने स्पीड में आप चला रहे हो ये शो करेगा, ये कितना किलोमीटर वगैरह चलाया है वो दिखेगा, ये आपको दिखाएगा इंजन ऑयल दिखाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे दिखाएगा आपको इसमें कितना किलोमीटर चला के आप, ये भी दिखाएगा। अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, एग्जांपल अब मुझे सॉन्ग प्ले करना है, जैसे कि मैं ऐसे अडेप्टर लगा के, मैंने अडेप्टर लगा के सॉन्ग प्ले करता हूँ। अगर आपको अडेप्टर लगा के सॉन्ग प्ले करना है, अडेप्टर लगा के सॉन्ग प्ले कर सकते हो। अगर नहीं करना तो उसमें बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि रेडियो, आप रेडियो में जाके आपकी गाना सुन सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, टेलीफोन में कौन कॉल कर रहा है कॉल नहीं, इसमें कॉल में बात कर सकते हो आप। बीएमडब्ल्यू सर्विस में जाके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बीएमडब्ल्यू कार में काम कराना है, बाइकल इंफॉर्मेशन जाओगे तो इसमें हर एक चीज मिल जाएगा। बाइक स्टेटस, जैसे कि बाइकल स्टेटस में मैं जाता हूं तो मुझे इंजन में क्या काम करवाना है, इंजन ऑयल है कि नहीं, हर एक चीज आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग में अगर जाओगे तो आपको ये भी डिस्प्ले की कुछ चेंज करना है, डेट टाइम चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करना, टोन चेंज करना, स्पीड चेंज करना, क्लेम चेंज करना, हर एक चीज कर सकते हो। अगर आपको एसी ऑन करना है तो आप एसी इसमें, जैसे कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ इस तरह की व्यू दिखेंगे गाड़ी के अंदर, बहुत ही अच्छा व्यू दिखेंगे बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज में। तो आपको क्या करना है, अगर एसी ऑन करना है इसमें क्लिक करना, एसी ऑन हो जाएगा। अगर आपको एसी थोड़ा ज़्यादा करना है, वॉल्यूम ज़्यादा करना, तो इसमें आपको प्रेस करना है 17-16 करके, ऐसे जो जो नेटवर्क की टाइप है ऐसा अप लेवल जाएगा, आपका एसी जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अभी एसी ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी कोल्ड मौसम है, बहुत ठंडी मौसम है, तो एसी नहीं चाहिए मुझे, मैं एसी ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपको हॉट वगैरह चाहिए, मिक्स में क्लिक करना, मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको हॉट मतलब गर्मी में ठंडी सब मिक्स होके आएंगे, ऐसी कि आप इधर से ऐसी उधर से भी ऐसी। और अगर आपको कहाँ आपको एयरबैग मिलेंगे, या एक एयरबैग मिलेंगे, मैं ड्राइविंग जो कर रहे हो उसमें एक एयरबैग मिलेंगे, इधर एक एयरबैग मिलेगा आपको, इधर एक एयरबैग मिलेगा। तो बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज में क्या होता है बहुत सारे एयरबैग भी होता है, बहुत सारे होते हैं, 3-4 होते हैं, तो ऐसे तो जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ स्लो चलाना गाड़ी, इतने स्पीड में नहीं चलाना, बिकॉज कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, तो हमारे को क्या केयरफुल रहना, केयरफुल होकर चलाना। तो अगर हम गाड़ी अभी मूव कर रहे हैं, अगर आप मूव कर रहे हो, और एक बात बताता हूँ, अगर आपको कुछ चीजें रखना है जैसे लाइक लाइसेंस, वॉलेट वगैरह, आप इसमें आपका गाड़ी का डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, थोड़ा ये दिखाना, ये गाड़ी का डॉक्यूमेंट भी आप इसमें रख सकते हो। और अगर आपको गाड़ी का की इधर रख सकते हो, परफ्यूम रख सकते हो, इधर जो है आपके परफ्यूम, वॉलेट, एटीएम कार्ड, हर एक चीज रख सकते हो। तो वह बाकी तो आपको पता ही होगा, हर नॉर्मल कार में भी रहता है, वाटर रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए हर एक चीज़ होता है। अब इसमें भी आपको ऑलरेडी मैं बता दिया कैसे करना है, बता दिया। और अगर गाड़ी अगर मूविंग कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया, एक में क्लच होता है, क्लच ब्रेक एक में ही होता है, और एक एस्केलेटर होता है, जैसे कि मैं एस्केलेटर दबा रहा हूँ, आवाज़ सुन पा रहे हो, ये देख सकते हो, इसमें थोड़ा दिखाना शो करना, ये देख सकते हो। अगर हम ये कर रहे हैं एस्केलेटर, जितना दबाएंगे उतना ये ऊपर रहेगा, ये स्पीड आ रहा है, स्पीड है। तो हम गाड़ी को मिनिमम हमको 60 में चलाना, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना। और इसमें ऐसे तो चारों ही बैठते हैं, बीएमडब्ल्यू में एक ही आदमी बैठता है जेन्युइन, पर बैठना है तो मिनिमम लाइक फैमिली अगर है तो पीछे 3 भी बैठा सकते हो। ये जो है आप इसको ऊपर भी ले सकते हो, ऊपर भी साइड कर सकते हो, ऊपर साइड करके आप और एक बच्चे को किसी को बैठा सकते हो, ठीक है। तो हम गाड़ी अभी स्टार्ट करके मूव कर रहे हैं, मूव करके हम जाने वाले, चलो ठीक है, मूव कर रहे गाड़ी लेकर हम निकल रहे हैं। निकलने के बाद आपको दिखा तो एक एक प्रोसेस आप बनते रहिए, देखते रहिए। तो अब गाड़ी हम बैक साइड कर रहे हैं, देख सकते हो गाड़ी हमने निकाल दिया है, गाड़ी लेके हम मूवी होने वाले, जाने वाले।
कैसे स्पीड में, कितना स्पीड में चलाना, कैसे चलाना, कैसा दबाना, क्या करना है, क्या नहीं, हर एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलो लेट्स गो, हम अभी गाड़ी में बैठते हैं, आप भी बैठ जाओ गाड़ी में। निकल रहे, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो घूम घूम के आ जाते हैं। तुम गाड़ी जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल, कैसे चलाते कैसे नहीं, हर एक प्रोसेस, अगर किसी को ड्राइविंग आता भी नहीं हो वो भी ये कर सकते हैं। हम अभी म्यूजिक लगाने वाले हैं, तो म्यूजिक कैसे प्ले करते वो भी दिखा देता हूँ। हाउ टू प्ले म्यूजिक आई विल शो यू। अभी मैं इधर से गाड़ी पहले निकाल देता हूँ, बिकॉज ये रोड जो है बहुत ही स्मॉल है और गाड़ी बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो अभी गाड़ी रेडियो, एग्जांपल मैं रेडियो में जाके कुछ गाने लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो रेडियो में जैसे कि मैं आ गया, ये 95 में आ गया, तो इसमें आप हर एक चीज सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। ऐसी चला कि बहुत ही अच्छी कंडीशन है, मतलब इतना ऐसा लगता लाइफ लाइक लाइफ, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद इतना अच्छे लगते हैं ना, इतना कंफर्टेबल लगता है ना, क्या बताऊँ। जैसे कि हम अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो अभी कैसे आपको चलाना, कैसे प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी आई होप आप लोगों को पता चल गया। अगर जिनको पता नहीं चला, मैं भी कुछ हो सकता है भूल भी गया, अगर मैं कुछ बोला कुछ भी पता नहीं मुझे, आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोसेस में क्या सर क्या करना है, कैसा नहीं। हम दूसरी वीडियो और एक बनाएंगे जिसमें रहेगा इंजन प्रॉब्लम कैसे होगा, कैसे स्पीड में क्या करना है, या फिर गाड़ी का क्या क्या प्रोसेस, कब कब गाड़ी सर्विसिंग करवाना है, हर चीज बताएंगे, ठीक है। तो हम गाड़ी अभी क्या कर रहे हैं, गाड़ी का फुल चारों तरफ दिखाएंगे, कितने बड़ी होती है गाड़ी, कैसे है गाड़ी, गाड़ी का साइड कैसी होती कैसी नहीं, हर एक चीज दिखाएंगे। और एक चीज आपको जो बताने वाला हूँ, मैंने एक्चुअली पहले ही बताया था, जो कि मैंने भूल गया, जो मैं भूल गया, मैं एक्चुअली बताने वाला था, अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी याद ही आया। और एक रहता है, आप ऊपर देख सकते हो ये क्या है, थोड़ा ऊपर दिखाना कैमरा करना, ये जो होता है बहुत सारे लोगों को गाड़ी में, लाइक 7 सीरीज में तो होता है, मतलब बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़ के हवा हवा खाने का बहुत मजा उठाना चाहते हैं, जो कि लोगों को लाइक बहुत ही मजा आता है। मुझे खुद को बहुत मजा आता है जब मैं, मेरा दोस्त गाड़ी चलाता है या फिर कोई चलाता है, जब मैं इसके ऊपर चढ़ के वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम अभी ये ओपन कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें ओपन करने के लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा, वन बाय वन क्लिक होगा, आप दिखा सकते हैं, और एक क्लिक करना ग्लास भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा, लाइक ब्राइटनेस जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही फ्रेश लगता है जब आप उसके ऊपर चढ़ते हो। चढ़ने के बाद आपको मैं बिल्कुल गाड़ी कर देता हूँ, चढ़ते हो गाड़ी में तब देख सकते हो कितना अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। व्यू भी देख सकते हो कितना मस्त व्यू है, इधर का रोड भी जो है बहुत ही अच्छा है। हम अभी गाड़ी के अंदर ही बैठ जाएंगे, जैसे कि पता है कैसे करना है कैसे नहीं। अभी आपको क्या करना है ये भी पता हो गया ना, अगर ये पता नहीं हो तो मुझे बोल सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, बताओ मुझे, मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मुझे कुछ चीज़ें हो सकते हैं मैं भी भूल गया हूँ, तो जो जिस मुझे पता नहीं वो चीज़ मैं बताऊँगा, बताने में कोई इशू नहीं, मेरा काम है बताना। और गाड़ी जब आप मूव कर रहे हो, गाड़ी स्लोली एक्सेलरेटर और ब्रेक का जो मैं क्लास और ब्रेक का जो मैं बता के आता, तरफ देख लो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, चारों तरफ देख लो, बहुत ही लग्जरी टाइप होता है। चलो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी की हर एक व्यू बहुत ही अच्छे है, ऊपर से व्हाइट कलर कार है, बहुत ही अच्छी है। आप ये पीछे भी देख सकते हो कैसी है, मेरे पैरों में मत जाओ, मैंने सैंडल पहना हुआ है, बिकॉज मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही पहन लिया, ठीक है। तो गाड़ी दिल्ली का है, दिल्ली का है, पर हम स्टिल बैंगलोर में है, स्टिल बैंगलोर में है। तो आप देख सकते हो गाड़ी का हर एक व्यू, एंड अभी गाड़ी में फिर से हम एंट्री कर लेंगे, एंट्री करने के बाद आपको दिखाते हैं हर एक चीज़, ठीक है। चलो कम बैक, को पता चला कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, हर एक प्रोसेस पता चला। अगर पता नहीं होगा मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर भाई जो भी बोलो ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कैसे करना है कैसे सीखना है। अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आता है, पहले ही बोल रहा हूँ ड्राइविंग नहीं आता है, तो मुझे बताओ, मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा तुमको, पूरा तो सिखा नहीं सकता हूँ, अगर मेरे सामने आओगे तब मैं इमिडिएटली सिखा सकता हूँ, विदिन 7 डेज में सिखा सकता हूँ। अगर सामने नहीं आओगे तो आपको प्रोसेस बता सकता हूँ क्या करना है, कब कैसे गियर मारना है, मैनुअल और ऑटोमेटिक जो भी हो, कैसे गियर मारना है, कैसे मूव करना है, कैसे नहीं करना है, हर एक चीज़ बताऊँगा। आई होप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलिए, ऐसे भी कमेंट करना ही होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं भी भूल गया और आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा, आई होप जितना हो सके मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।